सो काइजू नंबर 8 एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कापका और इजीकाबा दोनों अब टेस्ट के दूसरा पड़ाव तक पहुंच चुके हैं और वहां पे अब उनके सामने है काइजूज जिसको कि उन्हें न्यूट्रलाइज करना है अब आगे। सो अगर आपको ऐसे ही काइजू नंबर 8 की वीडियो सबसे पहले जानना है, स्टोरी में क्या होगा सबसे पहले जानना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड के शुरू में देखते हैं थर्ड डिवीजन कैप्टन सोशिरो होशिना को। वो सबको कहता है तुम लोगों का टास्क है काइजूस को न्यूट्रलाइज करना। ये सुन के हम देखते हैं कापका इजीकाबा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है बताओ मुझे तुम अभी कुछ देर पहले क्या कह रहे थे, काइजू को डिसमेंटल करना कहाँ है वो। वो कहता है मुझे ब्लेम मत करिए, ये तो पहले 2 साल से चलता आ रहा था इसीलिए मैंने आपको कहा है। कैप्टन हुसना कहता है ऑफकोर्स हम लोग तुम्हें ऐसे ही आनंद नहीं भेजेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ यहाँ पे है। तभी देखते हैं इजीकाबा को डिफेंस फोर्स सूट पहनते हुए। वो सूट इतना ज़्यादा अच्छे से उसके बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है जैसे कि वो उसकी बॉडी का ही हिस्सा है। तभी वो नोटिस में देखता है रेनो इजीकाबा सूट का 8% पावर अनलिश किया है। ये देख के वो कैप्टन हुसना को पूछता है सर ये 8% पावर अनलिश इसका मतलब क्या है। वो कहता है वो ये इंडिकेट करता है कि तुमने सूट की कितने परसेंट पावर को अनलिश किया है। वो 8% अनलिश किया है ये सुन के उसे थोड़ा सा खराब लगता है। पर तभी कैप्टन हुसना हंसते हुए कहता है इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, क्या तुम्हें पता है अच्छे से अच्छे डिफेंस फोर्स ऑफिसर भी 20-25% ही अपने सूट की पावर्स को यूटिलाइज कर पाते हैं। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि कोरु शिनोमिया उसने 46% अपने सूट की पावर को अनलिश किया है और एक एक करके ऐसे ही हारुइची 18% एओई 15% एंड इहारू 14% अपने सूट्स की पावर को अनलिश करते हैं। ये देख के कैप्टन उसने कहता है वाह इस साल के कैंडिडेट्स तो बड़े ही कमाल है, नॉर्मली एक से ज्यादा अगर कोई कैंडिडेट्स होगा 10% से ऊपर वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, पर लगता है कि ये साल हमारे लिए बहुत ज्यादा लकी है। रेनो तुम ऐसे डिस्करेज मत हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम 8% पे हो, ऐसा तो नहीं कि 0% पे, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई 0% पे होगा। पर तभी हम कापका को देखते हैं उसने अपनी सूट का 0% पावर को अनलिश किया है, मतलब कोई भी पावर को अनलिश नहीं किया है। ये देख के कैप्टन हुसना हंसने लगता है और कहता है क्या प्रॉब्लम है इस बंदे के साथ। बाइक पे एक लेडी थी वो कहती है लगता है ये कोई एरर है, रुकिए मैं चेक कर लेती हूँ। कापका कहता है मुझे और एक बार चांस दे दो, मैं ज़रूर इस बार अच्छा करके दिखाऊंगा। पर उसे सामने देख के कैप्टन हुसना हंसने लगता है। कुछ देर बाद देखते हैं सब कोई वहाँ पे सूट अप हो चुके हैं और उसके बाद वहाँ पे कैप्टन हुसना आता है और सबको कहता है तो लगता है कि तुम सब अब तैयार हो चुके हो, तो देर ना करते हुए चलो अब शुरू करते हैं। कुछ देर बाद सबको हम एग्जाम के फाइनल टेस्ट की जगह पे देखते हैं, सब अपने सूट और हथियार के साथ बाहर आए हैं। उनके सामने जो टारगेट को दिया गया है मतलब एक हंजू जिसने कि 36 लोगों को पिछले साल मार दिया है, इनको इसीलिए जिंदा पकड़ा गया है ताकि इनसे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया जाए। हर एक कैंडिडेट के साथ एक ऑटो ट्रैकिंग ड्रोन को रखा गया है ताकि वो उनके एक्शंस को अच्छे से देख पाए। हाँ हो सकता है ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका हो या फिर यहाँ से तुम बच के बाहर ना निकल पाओ, पर कभी अगर ऐसा होता है तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा डेंजर में हो, तुम्हारे सूट के अंदर एक सूट शील्ड है जिसे कि तुम रिमोट से ऑन कर सकते हो, उसे ऑन कर देना। पर हाँ अगर तुमने एक बार इसको ऑन कर दिया उसके बाद तुम्हें टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, तो जाओ अब बाहर निकलो और अपने आप को साबित करो। ये कहते ही हम देखते हैं सारे के सारे कैंडिडेट्स बाहर निकल जाते हैं और जाते ही हम देखते हैं किकोरु अपने सामने काइजू को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार देती है। कापका को देखते हैं वो कहता है हम लोग अच्छी तरह से जा रहे हैं ना, तुम मेरे साथ रहो इजीकाबा। पर इजीकाबा कहता है क्या पर ये तो मुझे कहना चाहिए ना। इजीकाबा को बहुत आगे देखते हैं पर उसके पीछे कापका है, वो अपने बंदूक तक को उठा नहीं पा रहा है। ये सब इसीलिए क्योंकि वो अपने सूट का 1% पावर कभी यूज़ नहीं कर पा रहा है। सूट नॉर्मली ऑफिसर्स को ताकत देता है, उनकी बॉडी मसल्स को ताकत देता है। तभी कैप्टन हुसना कहता है इस बार तुम लोगों के लिए कुछ खास है, इस बार तुम लोगों को देखने यहाँ पे कैप्टन मीना आशिरो भी आई हुई है, तो उनके सामने अच्छी शो प्रेजेंट करो। ये सुन के कापका भी चौंकाना हो जाता है क्योंकि उसका प्यार यानी मीना उसे अब देख रही थी। वो कहता है इजीकाबा तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा है, वो लोग हम सबके ऊपर ऑटो ट्रैकिंग ड्रोन्स रखे हुए हैं हमारे हर एक एक्शंस को देखने के लिए मॉनिटर करने के लिए। ये सुन के इजीकाबा कहता है अरे ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब अगर उन्हें जानना ही होता कितने ज़्यादा काइजूस को कौन मार रहा है तो ये तो बहुत सेंसर्स की मदद से भी कर सकते थे। ये सोचने के बाद दोनों को अब समझ में आ जाता है कि उनको यहाँ पे क्या करना है। तभी देखते हैं वहाँ पे काइजू उनके सामने आ जाता है। छुपते हुए हम देखते हैं कापका सोचने लगता है अरे
यह तो एक यूजू है जिसे कि मैंने पहले भी डिसमेंडल किया हुआ है, पर बोलो के अच्छे से संभालते। पर तभी देखते कुछ देर बाद वो अपने पास एक ब्लास्टर था, यानी बॉम्ब था। वो उस काइजू पर फेंक के मारता है जिससे वहां पे बहुत जोर से ब्लास्ट तो होता है पर उस काइजू को ज्यादा कुछ होता ही नहीं। कुछ देर बाद देखते हैं कापका हारुइचि को कहता है, हे हारुइचि उसके पेट में मारो, उसके पेट में सबसे ज्यादा स्किन कमजोर होता है। ये सुन के वो कहता है, अरे थैंक यू शिनोमिया ग्रुपी। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ देर बाद देखते हैं उसका अटैक काम करता है। इससे कापका थोड़ा सा मोटिवेट होता है और बोलता है, हम तुम्हें जानते हैं काइजू यूजर्क, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से जानते हैं। पर वो और कुछ सोचता उससे पहले ही हम देखते हैं उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक काइजू आके हमला कर देता है और उसे अपने हाथों से उठा लेता है। कुछ देर बाद देखते हैं उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा इंजरीज भी आई होती है। दूसरी तरफ देखते हैं मॉनिटरिंग रूम से वो लेडी कहती है, नंबर 2032 जल्दी से रिमोट सिंक को प्रेस करो। पर हम वहाँ पे कापका को देखते हैं, उसकी हालत खराब है पर फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात आ रहा है कि अगर मैंने इसे दबा दिया तो मैं फेल्ड हो जाऊंगा, मुझे उठना ही होगा। वो मुझे देख रही है, अगर मैं इस बार नहीं उठूंगा और ज्यादा पॉथेटिक लगूंगा वो भी उसके सामने। तभी देखते हैं वो काइजू उसे मारने के लिए आ रहा था। वो लड़की चिल्लाने लगती है, अपने रिमोट को प्रेस करो, रिमोट शील्ड को ऑन करो। कैप्टन होसना सोचता है, शायद यही है फास्ट कैंडिडेट जो कि आउट होगा। वो काइजू उस पर हमला करता उससे पहले ही देखते हैं उसे कोई आके मार देता है और वहाँ पे और कोई नहीं किकोरु शिनोमिया थी। वो आते ही कहती है, तो आपसे लेके 3 बार हो चुके हैं कापका हिबिनो, और जहाँ पे मैं रहूँगा कम से कम वहाँ पे तो कोई कैजुअलिटीज नहीं होगी। कापका उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, सोचता है, क्या तुमने अभी मुझे बचाया। वो उसकी तरफ देखती है, हंसने लगती है और कहती है, मैं इस टेस्ट को बहुत ही ग्लोरियस एंड देना चाहती हूँ और जब मैं ये करूँगी तब बस तुम दूर से ये सब देखते रहना। ये सुन के कापका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर किकोरु बही पे नहीं रुकती, वो और आगे जाने लगती है। बोई पे हम और 2 बंदे को देखते हैं, उनके सामने एक काइजू था, उसे मारने के लिए रेडी हो रहे थे, पर तभी वहाँ पे किकोरु आती है और उस काइजू को बिना कुछ प्लान बनाए ऐसे ही बहुत ही आसानी से मार देती है। ये देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा चौंकते हैं और कहने लगते हैं, व्हाट द। पर वो कहती है, अपने आँखों को हमेशा खुला रखने की कोशिश करो। उसकी ये बातें सुन के उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कुछ देर बाद देखते हैं यही सोचता है, तो हमारे अनलिस्ट पावर उसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है। वो ही मेजर करता है कि हमारी अटैक्स कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे या फिर हम कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे। हम कापका को देखते हैं, उसके कानों में आवाज़ आता है, नंबर 2032 क्या तुम मुझे सुन सकते हो, मैं कैप्टन होसना बोल रहा हूँ कंट्रोल रूम से। तुम्हारे वाइटल्स बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स भी हैं और उसके साथ कुछ इंटरनल डैमेज भी है। तुम्हारे प्रॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें ड्रॉप आउट करने की सलाह देता हूँ। ये सुन के भी कापका कहता है, नहीं मैं कर सकता हूँ। मन में सोचने लगता है, आई नो मैं पॉथेटिक साउंड कर रहा हूँ और इस तरह की सपना देखना वो भी इस एज में, पर नहीं मैं रुकूंगा नहीं, मैं खुद से कह रहा हूँ मुझे और एक बार चांस मिलना चाहिए। और तभी कहता है, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। कैप्टन मीना आशीरो ये सब देख रही थी, वो हंसते हुए कहता है, देखो मेरी तरफ देखो, मैं अभी खड़ा हो सकता हूँ, और अजीब तरीके से स्माइल करने लगता है। तभी देखते हैं इचिगावा उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहे, मैं आपको बैकअप दे सकता हूँ सर, चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पर कुछ ही देर बाद देखते हैं कैप्टन होसना उनको देख के हंसे जा रहा था क्योंकि हम देखते हैं इचिगावा के कंधे के ऊपर अब कापका बैठा हुआ है और इचिगावा दौड़ के उसे आगे ले जा रहा है। अब जैसे कि उनका पावर कॉम्बाइंड हो चुका है पर उनमें से एक के पास कोई पावर ही नहीं है। रेनो इचिगावा कहता है, पर सर ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग लग रहा है। कंट्रोल रूम में देखते हैं अभी भी कैप्टन होसना हंसे जा रहा था, मीना और बोलेडी उसे देखे जा रही थी और कहते हैं, प्लीज़ टेक दिस सीरियसली। दूसरी तरफ कापका कहता है, मेरी इंजरीज के बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस किकोरु के पीछे पीछे जाओ, अगर हम लोगों ने जल्दी नहीं की तो वो सारे के सारे काइजूस को ख़त्म कर देगी। ये सुन के इचिगावा कहता है, ओके बस अब गिरना मत। और तभी देखते हैं बहुत ही तेज़ी से वहाँ से दौड़ने लगता है और ये देख के कापका भी कहता है, क्या बहुत फास्ट। कुछ देर बाद देखते हैं वो दोनों किकोरु के पास करीब करीब पहुँच चुके थे, पर किकोरु को देखते हैं वो एक के बाद एक अपने सामने आते हुए हर एक काइजूस को बहुत ही आसानी से मारी जा रही थी, जैसे कि ये सब कुछ उसके लिए खेल जैसा है। वो इतना तेजी से सारे काइजूस को मार रही थी, दूसरों को अपनी ताकत दिखाने का मौका भी नहीं मिल रहा था। सारे के सारे बंदे उसे कवर करने की कोशिश करते हैं पर सबको देख के लगता है कि उसे कवर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
यारू कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कभी कोबर फायर तक प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। कंट्रोल रूम से वो लेडी कहती है, नंबर 2016 उसने लास्ट योजू को मार दिया है और अब उसके सामने है बस एक बड़ा सा होंजू। ये होंजू यानी ये काइजू बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसे देखते ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और तभी देखते हैं वो अपनी जगह से जंप करती है और बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाते हुए उस काइजू की एकदम मुँह के ऊपर चला जाता है। वो नीचे गिर रही थी, वो काइजू अपना मुँह खोलता है कि उसे खा पाए, पर तभी देखते हैं वो अपने गन से डायरेक्टली उसे बही से शूट करती है। वो शॉट उसकी पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है और एक एक करके देखते हैं उसका पूरा बॉडी बही पे बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होता है। सारे लोग ये देखते रहते हैं, कैप्टन होसना ये देख के स्माइल करता है। कंट्रोल रूम से आवाज़ आता है, होंजू को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, फाइनल टेस्ट अब ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ कापका और इचिगावा अभी यहाँ पे आके पहुँचे हैं, पर उनके आने से पहले ही सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तभी देखते हैं बाहर से ड्रोन्स को बुला लिया जाता है। कैप्टन होसना ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी अपने सामने वो कैप्टन मीनाशिरो को देखता है और सोचने लगता है, 30 लोगों को वहाँ पे हमने भेजा था, उनमें से ना एक भी घायल हुआ है और ना कोई बाहर गया है। ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है। आई थिंक कैप्टन मीना की यहाँ पे रहने के कारण और उनके प्रेजेंस के कारण हुआ है। और तभी वो किकोरो को दिखाते हुए कहती है, यह है कमांडर शिनोमिया की बेटी, विदाउट ए डाउट वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, शायद वही है डिफेंस फोर्स की फ्यूचर, द लाइट ऑफ होप जिसकी की कंट्री की ज़रूरत है। तभी देखते हैं वहाँ पे किकोरो को, वो ऊपर देखने लगती है और कहती है, मैंने सब कुछ परफेक्टली किया है ना डैड। चलो अब जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है अब शायद मुझे उसी कापका हाइविनो के पास जाना चाहिए। पर तभी उसके पीछे हम किसी अजीब क्रिएचर को देखते हैं। जब वो ये देख के पीछे देखती है वहाँ पे हम किसी अजीब से ह्यूमनॉइड काइजू जैसे किसी चीज़ को देखते हैं। ये देख के वो भी चौंक जाती है और कहती है, क्या ये चीज़ आखिर क्या है? इसके बारे में तो हमें न्यूट्रलाइजेशन के लिस्ट में बताया भी नहीं गया था, क्या है ये? पर तभी देखते हैं वो चीज़ उसकी तरफ उंगली करता है और ऐसा करते ही हम देखते हैं तभी किकोरो के बॉडी पर उसके छाती पे एक बहुत बड़ी सी होल हो जाता है, चारों तरफ उसका खून बिखरने लगता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।